नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये खबर जम्मू से आ रही है। जम्मू एयरपोर्ट के पास दो संदिग्ध धमाके हुए हैं। दोनों ही धमाके टेक्निकल एरिया में हुए हैं। फिलहाल इन धमाकों की जांच में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है। बम स्क्वाड भी साथ में है। एयरपोर्ट के आसपास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, जो टेक्निकल एरिया है, यहाँ पर हर वक्त चौकन्ने रहते हैं सुरक्षाकर्मी। जबरदस्त तरीके से यहाँ सुरक्षा का घेरा रहता है। लेकिन जिस तरह से ये विस्फोट हुआ है, उसके बाद से बम स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंची है, फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है और लगातार जांच हो रही है। जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में देर रात धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बना है। बम डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। जानकारी के मुताबिक घटना रात करीब 2 बजे की है। बताया जा रहा है कि धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी थी। एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस के अधिकारी सब मौके पर हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जम्मू से राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू कैनी से हम जानेंगे इस वक्त की क्या स्थिति है। रात 2 बजे ये हादसा हुआ, वहां पर अब जांच के लिए जो टीम पहुंची है, इस धमाके को किस कदर समझा जा रहा है, क्योंकि जो टेक्निकल एरिया है वहां तो हर वक्त निगरानी रहती है, सुरक्षा कड़ी रहती है। राजू जी, बिल्कुल, ये जो टेक्निकल एरिया, जो एयरफील्ड है, क्योंकि ये जम्मू में जो एयरफील्ड है, टेक्निकल एरिया, ये एयरफोर्स का एयरफील्ड है और यहाँ से एयरफोर्स, आर्मी की मूवमेंट जो है, उनके जहाज जो है, हेलीकॉप्टर उनके जो है, वो उड़ान भरते रहते हैं और कहीं पे अगर वीआईपी मूवमेंट हो तो वो भी इसी इलाके से जो है वो टेक ऑफ करती है। इसलिए रात के जो 2 बजे ये धमाका हुआ है, इससे जो है सुरक्षा। तो चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं पूरी खबर। कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण राजू अभी बीच में रुक गए हैं, लेकिन फिर से हम जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन हेडक्वार्टर और इसके साथ ही जम्मू का मेन एयरपोर्ट भी इसी परिसर में आता है। देर रात धमाके के बाद से वहां और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल घटनास्थल पर एयरफोर्स, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि इस बीच जम्मू में त्रिकुटा नगर थाने में वेव मॉल के पास एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आतंकी का नाम नदीम बताया जा रहा है। उसकी उम्र 20 साल है। पुलिस के मुताबिक आतंकी के पास से 5 किलो आईईडी बरामद की गई है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि इस आतंकी का जम्मू एयरपोर्ट वाली घटना से कोई संबंध है या नहीं, लेकिन लगातार हम आपको मौजूदा हाल के बारे में बता रहे हैं। एक बार फिर से ये पूरी खबर बता देते हैं। जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में देर रात धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। जांच पड़ताल हो रही है। जानकारी के मुताबिक ये घटना रात करीब 2 बजे की है। बताया जा रहा है कि बम की आवाज बहुत दूर तक सुनाई दी थी। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.